नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मैंने कहा था इसराइल जाने की कोशिश करूंगा, अब आपसे दूसरी मुलाकात वहीं होगी। अथॉरिटी से वीजा मिल गया है, वॉर जोन की रिपोर्ट आपको जल्द से जल्द ग्राउंड जीरो से दिखाऊंगा। आज अमेरिका ने औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि वो इसराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने की कसम खाई है। जो रूस यूक्रेन वॉर में नहीं हुआ, वो महायुद्ध मिडिल ईस्ट में शुरू होगा। अमेरिका का पहला एक्शन गाजा पर होगा, वहां उसके नागरिक फंसे हुए हैं। फायर सपोर्ट के लिए अमेरिका के दो दो वॉरशिप इसराइल के नजदीक पहुंच चुके हैं। मगर गाजा का क्या हाल है? गाजा पर मुस्लिम वर्ल्ड क्या कहता है? क्या दुनिया दो धड़ों में बंट गई है? हमास की तरफ से एक बार फिर इसराइल को टारगेट किया गया, कोस्टल सिटीज पर रॉकेट बरसाए। इस बार एंटी रॉकेट सिस्टम आयरन डोम कारगर साबित हुआ, लेकिन 7 अक्टूबर को आयरन डोम सिस्टम कैसे फेल हुआ, कहां कमी रह गई थी, ये भी आपको समझाएंगे। इसराइल हमास वॉर सिचुएशन देखकर भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला किया है। ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है। जो नागरिक वापस आना चाहता है, उसे भारत सरकार इसराइल से वापस लाएगी। इसराइल हमास जंग में अमेरिका के 25 नागरिकों की अब तक मौत हो चुकी है। सीरिया के दोनों एयरपोर्ट दमिश्क और एलेपो बंद कर दिए गए हैं। इसराइल किसी कीमत पर रुकेगा नहीं और हमास किसी के रोके रुकने वाला नहीं है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है हमास के हजारों आतंकवादी इसराइल में घुसपैठ कर चुके हैं। इस बीच इसराइल का साथ देने के लिए अमेरिका ने आर्म्ड एंड एम्यूनिशन वाली सप्लाई लाइन खोल दी है। दो दो एयरक्राफ्ट कैरियर इसराइल के लिए भेजने का फैसला हो गया है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने हमास की तुलना ISIS से की है। पिछली बार जब इसराइल ने 6 दिन का युद्ध लड़ा था तो उसने कई मुल्कों को धूल चटा दी थी। 1967 की जंग में इसराइल ने जॉर्डन से वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलम को छीना था, इजिप्ट से गाजा पट्टी और सिनाई पेनिनसुला हथिया लिया था, और जो गोलन हाइट्स का इलाका था सीरिया के उस एरिया में भी इसराइल ने अपना झंडा फहराया। हमास के हमले को 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। इसराइल की फौज का फोकस हमास है और हमास का इसराइल। रॉकेट्स दागे गए हैं यहाँ पर, हमारे सामने ठीक ऊपर 4-5 आपको रॉकेट्स के बड़े निशान दिखाई देंगे। ये साफ संकेत है कि हमास की तरफ से और भी ज़्यादा रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। ठीक मेरे पीछे आप देखिए 5-6, और अभी भी धमाकों की आवाज़ आ रही है। यानी कि ये जो रॉकेट्स हैं जब हमास की तरफ से दागे गए हैं, उसके तुरंत बाद आयरन डोम को एक्टिवेट कर दिया गया। हमास के खिलाफ इसराइल और अमेरिका की लीडरशिप भी एक्टिव है। इसराइल के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया, उसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी वॉशिंगटन DC से हमास हमले का इशू एड्रेस किया। नेतन्याहू और उनके साथियों ने हमास की तुलना आतंकी संगठन ISIS से कर दी। अमेरिका ने भी इस लड़ाई में खुलकर इसराइल का साथ देने का प्रण दोहराया। והיום גם ההנהגה שלו מאוחדת. שמנו בצד כל שיקול אחר כגורל המדינה שלנו. इन बयानों में तीखापन इसलिए भी है क्योंकि इसराइल डिफेंस फोर्स ने एक तस्वीर शेयर की, बताया कि हमास के आतंकवादी ISIS का झंडा लेकर हमला करने आए थे। इसराइल अब रॉकेट पर हमास का नाम लिख लिख कर उन्हें हमास के अड्डों की तरफ दाग रहा है। लेकिन बात घूम फिर कर इसराइली बंधकों पर आ जाती है। इसराइल का दावा है कि उसके 100 बंधक अब भी हमास के कैद में हैं और इन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। חללי צה"ל והמשפחות שלהם שיקיריהם נפלו באירועים הביטחוניים החל מיום שבת. אנחנו מחבקים את המשפחות השכולות
מאחלים החלמה לפצועים, ונכון לשעה הזו, משפחותיהם של 97 חטופים הותקנו. הלכי בת אמריקי נאגריקו כי בי, ריפורטס הן כי חמאס כהמלה מאמריקי נאגריקו כי ג'אן גאי. ऐसी खबरें हैं कि हमास ने कुछ अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाए हुआ है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा हमास के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अख्तियार होगी। So in this moment we must be crystal clear. We stand with Israel. And we will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself and respond to this attack. There's no justification for terrorism. इन बयानों के बाद इजराइल ने गाजा पर हवाई हमले तेज कर दिए। नुसरत रिफ्यूजी कैंप पर बमबारी हुई। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 18 लोग मारे गए। इस बीच हमास की लीडरशिप ने खुलकर जंग का ऐलान कर दिया। वो झुकने को तैयार नहीं। हमास के फाउंडर खालिद मशाल ने अपने संगठन के मेंबर्स को उकसाया। कहा इस बार जुमे की नमाज के दौरान अलक्सा मस्जिद की तरफ कूच करनी। फाइनेंशियल जिहाद की बात दोहराई। ये भी कहा कि अब जिहाद का वक्त आ चुका है, कुर्बानी देने का टाइम है, यानी अब बात वजूद की है। इसराइल हमास को खत्म करना चाहता है। सवाल है, क्या ये सब इतना आसान होगा? इसराइल और हमास के बीच जंग ऐसे वक्त शुरू हुई है जब दुनिया में पहले ही अस्थिरता का माहौल है। इसराइल में विरोधी दलों को मिलाकर इमरजेंसी गवर्नमेंट और मिलिट्री काउंसिल तैयार है। दूसरी तरफ सऊदी अरब और ईरान ने मौजूदा हालात पर बात की है। अमेरिका कह चुका है कि ईरान को इस जंग से दूर रहना चाहिए, लेकिन ईरान के दोस्त रूस ने फिलिस्तीन का सपोर्ट कर दिया। एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं जो रूस यूक्रेन वॉर में नहीं हुआ था, मिडल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध का मोर्चा क्या खुलने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट से महायुद्ध का सिग्नल मिला है? क्या इजराइल हमास की जंग रूस यूक्रेन से भी बड़ी होगी? क्या दुनिया एक बार फिर दो धड़ों में बटेगी? सत्ताईस सौ से ज्यादा मौत, 9000 से ज्यादा घायल, छह दिन की जंग आंकड़ों के शक्ल में इस तरह दिखती है। इसराइल का कहना है हमास ने हमारे 1300 लोग मारे। हमास ने बताया गाजा में इसराइल ने 1400 से ज्यादा लाशें बिछाई। हर घंटे तबाही बढ़ रही है। हमास के हमले के चश्मदीद सामने आ रहे हैं। We turn around and the stomach is open, wide open. There's a baby connected, an unborn baby connected to the cord with a knife, and the mother shot in the head. गाजा पट्टी पर 20,000 टन से ज्यादा बारूद बरस चुका है, और कितना बरसेगा इसकी तस्वीरें भी इजराइल ने जारी की। ये इसराइल के 2000 पाउंड के MK84 बॉम्ब, इनमें जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन किट, जिन्हें इजरायली एयरफोर्स अपने लड़ाकू जहाजों पर फिट करेगी। हमले अब भी जारी हैं। गाजा के अलग अलग इलाकों को इजरायल टारगेट कर रहा है। हमास के हमले का काउंटर गाजा भुगत रहा है, और इन तस्वीरों को अरब देश नजरें गड़ा कर देख रहे हैं। युद्ध भीषण होगा, आगे बढ़ेगा, इसका पहला सिग्नल ईरान से मिला। ईरान ने इसराइल के खिलाफ सभी अरब देशों को एकजुट होने की अपील की। ईरान के राष्ट्रपति ने सीरिया के अपने काउंटर पार्ट बशर अल असद से फोन पर बात की। कहा आज सभी इस्लामिक और अरब मुल्कों को एक साथ आना चाहिए। फिलिस्तीन के खिलाफ जिस तरह के अपराध हो रहे हैं उसे रोकने के लिए पूरी दुनिया को भी साथ आना चाहिए। इधर ईरान का बयान आया तो उधर इसराइल का कमेंट। भारत में इसराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने साफ साफ कहा हमास के पीछे ईरान की ही शक्ल है, ईरान का ही हाथ है। So we don't know too much about the planning. For sure, and we know, and for years we were saying it, that Iran is arming, helping arm Hamas and teach them. So all that is there. And action will come and not words from now on.
इस फोन कॉल के ठीक पहले ईरान के लीडर ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से बात की। दोनों ने इसराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर हमले की मुखालफत की, यानी अब सऊदी अरब भी खुले तौर पर हमास के सपोर्ट में है। उधर अमेरिका कह रहा है कुछ भी हो जाए इसराइल का साथ नहीं छोड़ेंगे। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसराइल की जमीन से यही संदेश दिया। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी इसराइल जाएंगे। Hamas has only one agenda, to destroy Israel and to murder Jews. No country can or would tolerate the slaughter of its citizens, or simply return to the conditions that allowed it to take place. Israel has the right, indeed the obligation, to defend itself and to ensure that this never happens again. तो फिर क्या समझा जाए? क्या दुनिया मिडिल ईस्ट क्राइसिस पर दो फाड़ है? एक तरफ ईरान, रूस, लेबनान, जॉर्डन दिखते हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका, इसराइल और पश्चिमी मुल्क। इस तरह के समीकरण रूस यूक्रेन वॉर के दौरान भी नजर आए थे। रूस के खिलाफ यूरोप था, अमेरिका यूक्रेन वॉर को हथियार देकर लंबा खींचता गया, अब ईरान का दोस्त रूस फिलिस्तीन के सपोर्ट में है। Вот не вижу смысла с военной точки зрения. Первое, второе это может быть как элемент такой военно-политический. यूक्रेन वाली जंग अब भी जारी है और बात तो एटमी धमकी तक भी पहुंच गई थी, मगर अब कई एक्सपर्ट्स ये भी कहने लगे कि अगर साफ तौर पर ईरान और इसराइल का आमना सामना हुआ तो फिर एटमी हथियारों की गुंजाइश बढ़ेगी और इससे वर्ल्ड वॉर की आशंका भी। अच्छा, आपने टीवी पर पुराने वाली रामायण तो देखी होगी, जिसमें युद्ध के दौरान तीर हवा में आपस में टकराते थे। कुछ इसी तरह का एक सिस्टम इसराइल के पास भी है, जिसे आयरन डोम कहते हैं। आयरन डोम इसराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो हमास के रॉकेट और मिसाइलों को हवा के बीच में ही खा जाता है। एक किस्म का ऐसा कवच जिसे भेद पाना हमास समेत इसराइल के हर दुश्मन के लिए नामुमकिन माना जाता है। इसी आयरन डोम से इसराइल हमेशा बेखौफ रहता है, लेकिन 7 अक्टूबर को हमास के हमले में आयरन डोम क्यों फेल हो गया, इसकी वजह जानना बहुत जरूरी है। सात अक्टूबर 2023 एक आम दिन की तरह ही जब इसराइल के लोग सुबह सोकर उठते हैं तो देश का नजारा बदल चुका था। हमास ने सुबह करीब 6 से 6:30 बजे के बीच रॉकेट से इसराइल पर हमले शुरू कर दिए। शुरुआत में लगा आम दिनों की तरह का हमला। इसराइल के लोग बेफिक्र थे कि आयरन डोम हमास की हर मिसाइल को तबाह कर देगा, लेकिन 20 मिनट में ही अंदाजा हो गया कि इस बार इसराइल का सुरक्षा कवच तार तार हो चुका है। आयरन डोम इसराइल का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। दावा किया जाता है कि ये 90% मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर देता है, शॉर्ट रेंज से आने वाली हर मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है। तो फिर 7 अक्टूबर को ऐसा क्या हो गया? जिस आयरन डोम के सहारे इसराइली महफूज होने के मुगालते में थे, वो क्यों नाकाम हो गया? जवाब जानना चाहते हैं तो सुनिए। हमास ने 20 मिनट में 5,000 रॉकेट दागे, यानी करीब 4 सेकंड में एक मिसाइल दागी गई। आयरन डोम ने कुछ रॉकेट को भले ही नाकाम कर दिया, लेकिन वो एक निश्चित पॉइंट तक ही अटैक कर पाया, मल्टीपल जगहों से हुए हमले को भेजने में नाकाम रहा। एक और जरूरी बात, आयरन डोम सिर्फ शॉर्ट रेंज यानी 70 किलोमीटर के दायरे से फायर होने वाली मिसाइलों को ट्रैक कर पाता है, लंबी दूरी से दागी गई मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। हमास ने 20 मिनट में 5,000 रॉकेट अगर फायर किए हैं तो जो इंटरसेप्टर्स हैं वो इस रैपिड जो फायर हुआ मिसाइल्स का, और जिसमें तादाद भी मिसाइल की बहुत ज़्यादा थी, वो उसको पूरी तरीके से सारे इंटरसेप्टर्स मिसाइल्स को नहीं इंटरसेप्ट कर सके। आयरन डोम को साल 2011 से सर्विस में लाया गया है, तब से 2,000 से ज्यादा मिसाइलों को तबाह कर चुका है। आयरन डोम को खास तौर पर गाजा से दागे जाने वाले रॉकेट्स और आर्टिलरी फायर सिस्टम को रोकने के लिए डिजाइन किया गया। ये काम कैसे करता है ये भी जानना जरूरी है। आयरन डोम में 3 हिस्से होते हैं, पहला बैटल मैनेजमेंट और वेपन कंट्रोल, दूसरा मिसाइल फायरिंग यूनिट और तीसरा ट्रैकिंग रडार। सबसे पहले आयरन डोम सिस्टम रॉकेट की पहचान करता है। रडार से मिली इन्फॉर्मेशन पर सिस्टम यह तय करता है कि आसमान में नजर आ रहा रॉकेट खतरा पैदा कर सकता है या नहीं। फायरिंग रेंज और टारगेट की डायरेक्शन फाइनल की जाती है। इसके बाद वार्निंग सायरन बजाया जाता है। सायरन के बाद लोगों के पास सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए 30 से 90 सेकंड का वक्त होता है। इतना सब होने के बाद आयरन डोम रॉकेट पर इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करता है। यही वजह है कि इसराइल के लोग आयरन डोम के साए में खुद को महफूज मानते आए हैं।
לפני כיפת ברזל היה מה זה מפחיד, אבל היום אנחנו ממש בביטחון, אנחנו מרגישים וגם שומעים את הכיפה, בום, בום, איך היא מורידה אותם. इजराइल पर हमास ज्यादातर मिसाइल अटैक गाजा से ही करता आया है। दो साल पहले मई 2021 में हमास 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी, जिन्हें आयरन डोम ने ही नाकाम कर दिया, लेकिन इस बार 20 मिनट में हजारों रॉकेट दागे गए। आयरन डोम के सॉफ्टवेयर का इश्यू आया, यही वजह है कि आयरन डोम इस हमले को रोकने में नाकाम रहा। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्ला की एक्टिविटीज को रोकना जरूरी है, खासकर इसराइल की बात कर रहा हूं मैं। अगर उत्तरी सीमा से हिजबुल्ला जंग में एंटर करता है तो ये लड़ाई और बड़ी हो जाएगी। इसराइल की यही चिंता सबसे बड़ी है और इसका इजहार भारत में इसराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने आज एबीपी न्यूज के साथ एक अनौपचारिक मुलाकात में किया। इसराइल ने गाजा के बाद हिजबुल्ला के खिलाफ लेबनान बॉर्डर पर एक्शन शुरू किया है। उसकी रिजर्व फोर्सेज लेबनान के पास इकट्ठा होने लगी हैं। वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलम को लेकर इसराइल की आर्मी स्टैंडबाय मोड पर है। जॉर्डन और सीरिया में भी इसराइल के खिलाफ माहौल बनने लगा है। इस वक्त इसराइल का दुश्मन नंबर वन है हमास, जिसका नामो निशान मिटाने के लिए इसराइल जमीन से लेकर आसमान तक लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इसराइल का ये मकसद अब आसान नहीं है, क्योंकि बात काफी आगे बढ़ चुकी है। इसराइल पर हमला हमास ने किया, लेकिन उसकी कीमत पूरा गाजा पट्टी चुका रहा है। इसराइल के आसमानी हमलों में सिर्फ 6 दिन में हमास की हुकूमत वाले इस इलाके का ये हाल हो गया। हमास अपने हट पर कायम है तो इसराइल ने अमन की अपील अनसुनी कर दी, लेकिन एक देश और एक आतंकी संगठन के बीच छिड़ी इस जंग में दो नए किरदारों की भी एंट्री हो गई, पहला सीरिया और दूसरा लेबनान। दोनों इसराइल के सबसे नजदीकी पड़ोसी हैं। इसराइल दोनों देशों से अपनी सरहदें साझा करता है, लेकिन इस संघर्ष में सीरिया और लेबनान हमास के साथ खड़े हैं। नतीजा ये हुआ कि जो इसराइल अब तक गाजा में हमास को निपटा रहा था, उसे अब और दो दुश्मनों से निपटना पड़ेगा। यानी इसराइल के खिलाफ अब जंग के 3 मोर्चे खुल चुके हैं और हमास के साथ साथ अब लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला और सीरिया ने भी रॉकेट दागने शुरू कर दिए। इसराइल के सामने चुनौती बड़ी हो चुकी है, इसलिए इजरायली सेना ने भी अपनी तैयारी बड़ी कर दी। सीरिया और लेबनान ने इसराइल पर रॉकेट दागे तो इसराइल ने भी उसी भाषा में जवाब देना शुरू किया। सबसे पहले सीरिया की राजधानी दमिश्क पर एयर स्ट्राइक की, जिसके चलते दमिश्क एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। We will do whatever it takes. अपने लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे और इसराइल की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। हमारा ध्यान उत्तरी सीमाओं की तरफ भी है, पूरी तैयारी के साथ। सेंटकॉम के साथ हमारा पूरा संपर्क है। मध्य पूर्व में कहीं से भी हम पर हमला हुआ तो उसे हमारे जवाबी हमले का सामना करना पड़ेगा। हिजबुल्ला के निशाने पर सिर्फ इसराइल ही नहीं है, लेबनान के संगठन ने सीधे अमेरिका तक को धमकाया और अमेरिकी युद्धपोत को ही बर्बाद करने की चुनौती दे दी, जिन्हें इसराइल की मदद के लिए भेजा गया है। हालांकि दुनिया के कई देश फलस्तीन और हमास का समर्थन कर रहे हैं और आतंकी हमले के बाद इसराइल को भी कई बड़े देशों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन कोई भी युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि ये बात सबको अच्छी तरह मालूम है। अगर इस जंग का दायरा बढ़ने लगा तो फिर लड़ाई लंबी खिंचेगी और नतीजे पूरी दुनिया को भुगतने होंगे। जंग किसी के भी बीच में हो, लेकिन इसका असर आम लोगों पर पड़ता ही है। इसराइल पर मिसाइलें दागकर हमास के आतंकी तो बिलों में छिप गए, लेकिन अब गाजा की आबादी कराह रही है। वहां बिजली नहीं है, पानी खत्म हो रहा है, इसराइल ने सप्लाई रोक दी है, दवाओं का स्टॉक खत्म हो गया है। गाजा में टोटल ब्लैकआउट है। 21 लाख आबादी के भूखों मरने की नौबत आ गई है। युद्ध में बेगुनाहों की मौत पर दुनिया आखिर कब तक आंखें मूंदे रहेगी? धमाकों के शोर से दिन का आगाज होता है। आशियाने के जमींदोज होने के खौफ में रात बीतती है। इस मंजर को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसराइल ने गाजा को गर्त में मिलाने का फाइनल फैसला कर लिया। इजरायली हमलों के 5 दिन में ही गाजा सिटी इमारतों का कब्रिस्तान नजर आने लगी है। जहां तक नजर जाती है मलबे का ढेर दिखता है। गाजा पर इसराइल जल थल नभ से अटैक कर रहा है। हमले में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें आम लोग भी शामिल हैं। लेकिन इसराइल का कहना है कि सिर्फ हमास के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है।
You may have seen footage on TV or on social media, and you may see a building standing and then flashes and then the building collapses, and you say to yourself, well, that looks very much like a civilian building. What I want to tell you is that no, that isn't a civilian building. It is a legitimate military target. इजराइल ने अपनी फौज को गाजा पर कब्जे के लिए खुली छूट दे दी है, इसीलिए इजराइल ने गाजा की 21 लाख आबादी को दरबदर करने की पूरी तैयारी कर ली। बड़ी आबादी के पास जरूरी चीजें नहीं है। तेल की कमी से गाजा का इकलौता पावर सेंटर बंद हो चुका है। गाजा में टोटल ब्लैकआउट है। अस्पतालों तक में बिजली सप्लाई ठप है। अस्पताल में बिजली नहीं होने की वजह से घायल दम तोड़ रहे हैं। अगर ऐसे ही हालात रहे तो चंद दिनों में बड़ी तादाद में जाने जा सकती है। सबसे ज्यादा संकट अस्पतालों के आईसीयू में है, जहां गंभीर मरीज तो हैं, लेकिन बिना बिजली और मशीनों के कब तक रह पाएंगे। खौफ की वजह से लोग बड़ी संख्या में शहर छोड़ रहे हैं, लेकिन कहीं जाने के लिए दूसरी जगह भी तो नहीं। इसराइल और मिस्र दोनों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। गाजा को इसराइल मिलिट्री जोन डिक्लेयर कर चुका है। गाजा में बिना इजाजत जाने की सख्त मनाही है। इतना ही नहीं, भले ही गाजा से हमास इसराइल पर रॉकेट और मिसाइलें डाले, लेकिन गाजा को खाने पीने और दवाइयों से लेकर बिजली पानी की सप्लाई इसराइल से ही होती है, जिसे अब ठप कर दिया गया है, और यूएन की एजेंसीज इस पर चिंता जता रही हैं। We had fled from Abbasan, escaping from death. There were continuous airstrikes over our heads. They told us to come to Khan Yunis. We came to find death. If we stayed in our houses, we die. If we go on the streets, we die. इजरायली बमबारी के बाद खौफनाक हालात गाजा पट्टी के लोगों के सामने मानवीय संकट पैदा हो रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल सैकड़ों टन बारूद से गाजा को पाट रहा है। स्कूल अस्पताल तक महफूज नहीं है। खास बात यह है कि जिस गाजा का चूल्हा ग्लोबल फंडिंग से चलता है, उस पर अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने फिलहाल रोक लगा दी है। सवाल है, इसराइल और हमास के दरमियान छिड़े बारूदी भवंडर में आम लोगों की जान कौन बचाएगा। जंग सेना और हथियारों से लड़ी जाती है। रूस के खिलाफ यूक्रेन के पास हथियार नहीं थे, मदद यूरोप से आई। अमेरिका ने अरबों डॉलर के हथियार भेजे, मिसाइल सिस्टम और टैंकों की सप्लाई हुई। अब अगर इसराइल और हमास के बीच में जंग बढ़ती है तो यहां बड़े पैमाने पर गोला बारूद कैसे आएगा? क्या अमेरिका यूक्रेन वाली सप्लाई रोक देगा, या फिर हमास को अपने दोस्तों के हथियार मिलते रहेंगे, क्योंकि इसराइल ने कह दिया है कि उसे इंटरसेप्टर मिसाइलों की जरूरत है और ऑफेंसिव एयर अटैक वॉरफेयर भी चाहिए। सवाल है, जब हथियार बनाने वाली कंपनियों के पास 10-10 साल के ऑर्डर बुक हैं और वेटिंग लिस्ट है, ऐसे में असला आएगा कहां से? गाजा बॉर्डर के पास टैंक इकट्ठा हो चुके हैं। इसराइल ने हमास को हराने के लिए, जमींदोज करने के लिए ऑपरेशन सोर्ड ऑफ आयरन और तेज कर दिया है। हमारे डिफेंस एडिटर गाजा बॉर्डर पर इन हालात को करीब से देख रहे हैं, खतरे को भांप रहे हैं। ये देखिए, मेरे दाएं तरफ आपको दिखाई देगा, हम गाजा बॉर्डर के कुछ ही 100 मीटर दूर हैं और यहां पर बड़ी तादाद में जमा कर लिए गए हैं टैंक्स, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स और हैवी इक्विपमेंट। इजरायली आर्मी के आपको लाव लश्कर, जिसे कहते हैं आर्मी का पूरा, दिखाई देगा। कम से कम 500 से 700 जो टैंक्स हैं, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स हैं इजरायली आर्मी की, वो सब की सब यहां पर डिप्लॉय कर दी गई हैं। जिस वक्त आशीष रिपोर्ट फाइल कर रहे थे, उसी दौरान इजरायली सेना ने गाजा में हवाई हमले में एक ही परिवार के 44 लोगों का सफाया कर दिया। दावा किया गया कि यह हमास का आतंकी था। लेकिन ऐसे और हमलों के लिए क्या इसराइल के पास गोला बारूद मौजूद है? अगर जंग लंबी खींची तो फिर इसराइल हमास के रॉकेट को कैसे काउंटर करेगा? सवाल इसलिए है क्योंकि इसराइल ने हथियारों की लिस्ट अमेरिका को सौंप दी है। बताया कि उसे कम डायमीटर वाले इंटरसेप्ट मिसाइल की जरूरत पड़ेगी। अमेरिका ने मदद का वादा भी किया। We're delivering on our word. हम अपनी बात पर अमल कर रहे हैं। इसराइल के आयरन डोम को फिर से भरने के लिए गोला बारूद, इंटरसेप्टर के साथ साथ अन्य रक्षा सामग्री की आपूर्ति कर रहे हैं। अमेरिकी सैनिक सहायता की पहली खेप पहले ही इसराइल पहुंच चुकी है और आने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल को सबसे ज्यादा वेपन अमेरिका ही सप्लाई करता है। करीब 82% हथियार वही देता है। इसके अलावा जर्मनी, कनाडा, फ्रांस जैसे मुल्क भी इसराइल का बारूदी गोदाम भरते हैं। लेकिन यह भी सही है कि अमेरिका ने इसराइल में गोला बारूद का एक बड़ा स्टॉक रखा था, जो यूक्रेन के लिए था। अब इसराइल को जरूरत पड़ी है तो गोले बारूद का भंडार खाली दिखता है।
जर्मनी उन कॉम्बैट ड्रोन्स को इसराइल को सौंप रहा है जो पहले से ही इसराइल में मौजूद हैं। ये ड्रोन वैसे तो जर्मन सेना की ट्रेनिंग के लिए थे। हमने अपने दो विमानों के इस्तेमाल की मंजूरी भी दे दी है। 2014 की बात है, इजरायली सेना ने तब 32,000 से ज्यादा गोले गाजा पर दागे थे। इस बार हालात 2014 से कई गुना विस्फोटक है। इसराइल ने हमास के खिलाफ फुल स्केल पर वॉर का ऐलान किया है। ऐसे में गोला बारूद की जरूरत पहले से कई गुना ज्यादा है। दूसरी मुसीबत यह है कि इसी दौरान यूक्रेन को भी एम्युनिशन चाहिए जिसकी आपूर्ति नाटो देश नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हमारी डिफेंस फोर्स का काम रुकना नहीं चाहिए। जो लोग हमारे और हमारे देश यूक्रेन की चिंता करते हैं उनका शुक्रिया। हमें अपने देश के लिए हथियारों की जरूरत है। वैसे अमेरिका और इसराइल के बीच काफी पुराने सैन्य सहयोग रहे हैं। दोनों देशों ने 2016 में डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए 38 अरब डॉलर की सालाना ग्रांट और 5 अरब डॉलर की मिसाइल डिफेंस के 10 साल के समझौते पर साइन किए थे। मगर अमेरिका में हथियार कंपनियों के पास पहले से ही ताइवान जैसे मुल्कों का ऑर्डर है। कई कंपनियां हथियारों को लेकर 10-10 साल का वेटिंग पीरियड दे रही हैं। इसीलिए आशंका है कि अगर जंग बढ़ी तो फिर इसराइल को हथियार का संकट पैदा हो सकता है। दूसरी तरफ हमास है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास को हथियारों की सप्लाई ईरान की तरफ से होती आई है। कई और मुल्क हैं जो उसके हथियार वाले गोदाम को भरते हैं। खबर तो ये भी है कि इस दौरान चुपके चुपके हमास का जखीरा भरा जा रहा है। और अगर बात ओपन वॉर फ्रंट की आए तो फिर अरब वर्ल्ड अपने हथियार भी सप्लाई कर सकता है। उम्मीद करनी चाहिए ऐसा ना हो तो ही बेहतर है। दुनिया का नक्शा देखें तो इसराइल एक छोटा सा देश है जिसकी हर सीमा किसी ना किसी दुश्मन की मौजूदगी से भरी हुई है। इसलिए अपने देश की सुरक्षा हर इसराइली की प्राथमिकता रहती है, चाहे वो अपने देश में मौजूद है या अपने देश से बाहर है। इसलिए दुनिया के तमाम देशों में मौजूद इसराइली नागरिक अपने वतन वापस लौटना शुरू कर चुके हैं ताकि मुसीबत के वक्त अपने देश के साथ खड़े रहें। युद्ध के हर मोर्चे पर हम अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। हमास के हर आतंकी के खिलाफ हम और आक्रामक हो गए हैं। हमास ISIS है और उसे उसी तरह कुचलकर खत्म कर दिया जाएगा जैसे दुनिया ने ISIS को खत्म कर दिया। खुद पर हुए हमले के बाद इसराइल ने हमास को जड़ से मिटाने की जो जंग छेड़ी है उसे अंजाम तक पहुंचने के लिए इसराइल की सेना के साथ वहां की रिजर्व फोर्स भी जमीन पर उतर चुकी है। लेकिन अब इस लड़ाई में वो इसराइली भी शामिल हो रहे हैं जो देश से बाहर थे। अमेरिका, यूरोप समेत दुनिया के कई मुल्कों में बड़ी संख्या में इजरायली नौजवान बसे हुए हैं। लेकिन इजरायल पर हमास के हमले के बाद ये नौजवान वतन वापसी कर रहे हैं क्योंकि उनका देश आतंकवाद के खिलाफ जंग में है। उन्हें लगता है कि अभी इजरायल को सबसे ज्यादा हमारी जरूरत है। ये लड़ाई लंबी है और आने वाले दिन और मुश्किल होने वाले हैं। इसराइल ने बहुत भारी कीमत चुकाई है लेकिन हम इसराइल और अपने लोगों की सुरक्षा को फिर से सुनिश्चित करेंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि हम इसराइल के लोगों की सुरक्षा फिर से सुनिश्चित करेंगे। इसराइल में हमास से बदला लेने की मुहिम जारी है। जो नौजवान देश में मौजूद हैं वो मैदान जंग में उतर चुके हैं। जिनकी इसराइल वापसी हुई उनका तेल अवीव हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत हो रहा है और जो अब तक नहीं पहुंचे हैं वो अपने संदेश इस तरह जारी कर रहे हैं, जल्द ही युद्ध के मैदान में मुलाकात होगी। मैं अभी लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंची हूं। मैं वापस इसराइल जा रही हूं क्योंकि वहां पर मेरे दोस्त मुसीबत में हैं। मेरे कुछ दोस्त और करीबी लापता हैं। मुझे जानकारी मिली कि 2 दिन पहले मेरी एक दोस्त को उसके घर में मार दिया गया। मेरी फ्लाइट लेट है इसलिए एयरपोर्ट पर ही इंतजार कर रही हूं। इसराइल के नौजवान, वहाँ के नागरिक, वहाँ के बुजुर्ग कितने वतन परस्त हैं इसका अंदाजा इन बातों से भी लगता है। इसराइल में सेना में सर्विस देने का अनिवार्य नियम है। पुरुषों के लिए 32 महीने और महिलाओं के लिए 24 महीने सेना में सर्विस जरूरी है। ये इसराइल की रिजर्व आर्मी होती है। युद्ध के हालात में रिजर्व आर्मी सेना को मजबूती देती है। जरूरत पड़ने पर इन्हें कभी भी बुला लिया जाता है और यही अब तेल अवीव में दिखाई भी दे रहा है। All of our trainings are functional trainings. For a combat soldier, हमारी हर ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है। एक सैनिक को घायलों को उठाना, अपने भार को सहन करना और हर बाधा को पार करना आना चाहिए। Of 10 to 12 repetitions, you could train wizards. जब हम फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं तो उसमें मेंटल फिटनेस भी शामिल होता है। Talk about mental fitness.
इसराइल चारों तरफ से अरब देशों से घिरा हुआ है, जिनसे इसराइल के संबंध कभी भी बहुत अच्छे नहीं रहे। कई देश तो इसराइल को मान्यता तक नहीं देते। कई मुल्क ऐसे हैं जो इसराइल पर पहले भी हमला कर चुके हैं। हालांकि छोटे मोटे हमले तो हमेशा होते रहे हैं, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुए यहूदियों के नरसंहार के बाद बड़ी तादाद में इसराइलियों की मौत की ये पहली घटना है, जिसके बाद अपने देश को सुरक्षित करने के लिए हर इसराइली अपने देश का रुख कर रहा है। हमास और इसराइल में जंग छिड़े 6 दिन हो गए हैं। हालात कितने नाजुक हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि तेल अवीव से भारत की फ्लाइट्स कैंसिल होनी शुरू हो गई हैं। 18,000 भारतीय अभी इसराइल में रह रहे हैं, वो वतन कैसे लौटेंगे? इस मुश्किल को दूर करने के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। ऑपरेशन के तहत कैसे एक एक भारतीय को सुरक्षित घर वापस लाना है, कहाँ और किस जगह से फ्लाइट मिलेगी, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट देख लीजिए। उम्मीदों की उड़ान के साथ भारत के ऑपरेशन अजय का आगाज हो गया। चार्टर्ड प्लेन से बारी बारी इसराइल में रह रहे भारतीयों की वापसी कराई जाएगी। पहली फ्लाइट से 250 भारतीय देश लौटेंगे। ऑपरेशन अजय हैज बीन लॉन्च्ड टू फैसिलिटेट द रिटर्न फ्रॉम इसराइल ऑफ आवर सिटीजंस हु विश टू कम बैक। द फर्स्ट चार्टर फ्लाइट विल बी रीचिंग तेल अवीव लेटर टुनाइट टू पिक अप इंडियन सिटीजंस। इसराइल में करीब 18,000 भारतीय रहते हैं। ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों को तेल अवीव से भारत लाया जाएगा। हर रोज देर रात चार्टर्ड विमान तेल अवीव पहुंचेगा और भारतीयों को वापस लाएगा। इसराइल में छिड़ी जंग के बीच कई भारतीय भी घायल हुए हैं, एमईए का दावा है। करीब 12 भारतीय वेस्ट बैंक में, गाजा में 3 से 4 भारतीय सिटीजन हैं, कुछ घायल भी हैं जो अलग अलग अस्पतालों में हैं। हमारे लिए फोकस इससे है कि किस तरह से हम भारतीय नागरिक जो वहां पे हैं उनको वापस ला पाए जो आना चाहते हैं। गाजा में आपने जिक्र किया हैं, हमारे 3 या 4 सिटीजन्स हैं, हम उनके साथ संपर्क में हैं, पर अभी जो इसकी कंस्ट्रेंट्स है उसमें दिक्कत है उनको कोई डायरेक्टली निकालने का, पर हम कोशिश कर रहे हैं जो भी सोल्यूशन हो सके उसमें हम जितना मदद कर सके हम करेंगे। कुछ हिंदुस्तानी इसराइल से सटे मुल्कों में भी हैं, लेकिन जो इसराइल में रहते हैं और अपनी मर्जी से देश आना चाहते हैं उन्हें ही ऑपरेशन अजय का हिस्सा बनाया जाएगा। सुविधा का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। खास बात यह है कि बुरे हालात में मदद के लिए भारत ने इमरजेंसी हेल्पलाइन जारी की है। दिल्ली में नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर है 1800118797 +91 11 2301 2113 +91 11 2301 4104 +91 11 2301 7905 और +91 9968291988 हैं। इसके अलावा ईमेल आईडी situationroom@mea.gov.in पर भी मदद मांगी जा सकती है। अब ये भी जान लीजिए कि इसराइल में जो 18,000 भारतीय रहते हैं वो किस काम धंधे से जुड़े हैं। यहाँ करीब 14,000 केयरगिवर्स यानी घरों में नैनी, रखरखाव और देखभाल के पेशे से जुड़े हैं। 1,000 से ज्यादा छात्र हैं, जबकि 500 से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल्स। वहीं 2,500 से ज्यादा लोग वहां अपना कारोबार चलाते हैं। ऑपरेशन अजय का मकसद इसराइल में रह रहे हर हिंदुस्तानी को सही सलामत देश लाना है। मुहिम शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि भारत का ये ऑपरेशन कामयाब होगा, क्योंकि सवाल अपनों की जिंदगी का है। इसराइल हमास के वॉर को लेकर आपके कई कमेंट्स हमारे पास आए हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में आपके कमेंट्स देखने का वक्त हो गया, फटाफट देख लेते हैं। आनंद कुमार थानवी कहते हैं, धर्म आधारित जंग है, परिणाम घातक हो सकते हैं। शैलजा सिंह लिखती हैं, एक युद्ध खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, तीसरा मुंह फाड़े खड़ा है। आज इतना ही। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, फ्लाइट का वक्त होने वाला है। इसराइल पहुंचकर वॉर जोन की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक लेके आऊंगा। फिलहाल एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।